चैनल पर मैं हूं दीपेंद्र कुमार देसाई। हमारे तत् क्लासेस चैनल को देखने से पहले लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और बेल आइकन की घंटी को भी दबाइए। तो हम आप लोगों के लिए साधारण ब्याज के बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल लेकर आए हैं, तो आप लोग देखते रहिए हमारे इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। यदि आप लोगों को साधारण ब्याज के बारे में कुछ जानकारी चाहिए है तो 6, 7, 8, 9, 10 ये सभी कक्षाओं में सवाल आने वाले हैं। ये सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल होते हैं। इन सवालों को जानने से पहले आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो ये जो सूत्र भी इसी तरह जी लगते हैं, जैसे दिया जाए कि 800 का 2 वर्ष का 10% वार्षिक ब्याज की दर से मिश्र धन ज्ञात कीजिए, इसी तरह जी आते हैं। तो आप इसका सूत्र होता है साधारण ब्याज का मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे मिश्रो। तो आप लोग देखते रहिए हमारे इस वीडियो को, हम आपको साधारण ब्याज के बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं। तो ये पहला मेरा सवाल जो है, 800 का 2 वर्ष का 10% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज ज्ञात करो। तो हमको साधारण ब्याज अब ज्ञात करना है, तो हम साधारण ब्याज का सूत्र लगाएंगे। तो साधारण ब्याज का सूत्र ये मैंने यहाँ पर लिख दिया, मूलधन गुणे दर गुणे समय और बटे में 100। ये हमारे साधारण ब्याज का सूत्र हो गया। अब हम इसको यहाँ पर हल करेंगे। तो मेरा जो मूलधन है वो मूलधन हमारा कितना निकल कर आ रहा है, हमको साधारण ब्याज ज्ञात करना है। साधारण ब्याज यहाँ पर लिख लीजिए। तो ये मेरा मूलधन जो है ये हमारा 800 है, और 800 गुणा हो जाएगा इसमें, क्योंकि यहाँ पर गुणे का चिन्ह दिया गया है। आप इसमें 10% दर दी गई है और हमारा 2 वर्ष का समय दिया गया है, बटे में 100। आप देखिए 0 से कट जाएगी और इससे 0 कट जाएगी। तो साधारण ब्याज बराबर जो मेरा यहाँ पर ये बचा है 8 और 10 और 2, 8 का गुणा जब हम 10 में करेंगे तो 8 × 80 हो जाएगा, और 80 का गुणा हम 2 में करेंगे तो हमारा हो जाएगा 160। 8 × 80 और 80 दोनों 160, ये जो मेरा निकल कर आ रहा है यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब मैं आपको साधारण ब्याज का सवाल दूसरा बताने वाले हैं। मेरा हमारे साधारण ब्याज का दूसरा सवाल बिल्कुल पहले सवाल की तरह से ही है। ये दूसरा सवाल, इसमें सिर्फ इतना बल दिया गया है, यहाँ पर 500 हो गए और ये 3 वर्ष हो गए, और यहाँ पर 12% वार्षिक ब्याज। तो इसको भी हमको इसी तरह से ज्ञात करना है। तो आप लोग देखिए साधारण ब्याज बराबर, एक सवाल से कुछ नहीं होता, एक सवाल यदि आप तो देख लोगे तो आप हर एक सवाल नहीं लगा सकते हो। तो यदि आपको पहले सवाल में समझ में आया हो तो ये दूसरा मेरा सवाल कमेंट में ज़रूर बताइए, यदि आपको आया हो करके हल। तो ये पहला सवाल जो है मैंने आपको पहले ही बता दिया। अभी मेरा दूसरा सवाल है, 500 का 3 वर्ष का 12% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज ज्ञात करो। तो हमको साधारण ब्याज ज्ञात करना है, तो उसी तरह हम करेंगे। मूलधन ये मेरा हो जाएगा 500 गुणा, इसी तरह हमको लिखना है, क्योंकि यहाँ पर देखिए समय जैसे पहले दिया गया, तो मेरे को समय नहीं लिखना है, सूत्र के अनुसार चलना है। तो दर इसके बाद हम लिखाएंगे दर, तो दर हमारी कितनी दी गई है 12% गुणा, खैर हमको लिखना है समय 3 वर्ष है, और इसके बटे में हमको लिखना है 100। अब आप लोग देखिए 1 0 से 1 0 1 कट जाएगी और 1 0 से 1 0 1 कट जाएगी, इसी तरह अब आगे हम करेंगे हल। साधारण ब्याज बराबर 5 का गुणा जब हम 12 में करेंगे तो 12 × 5 = 60 होगा, और 60 का गुणा जब हम 3 में करेंगे तो हमारा 180 हो जाएगा, यही निकल कर आ रहा है, ये दूसरे का आंसर हो जाएगा। तो मैंने आपको साधारण ब्याज के सवालों के बारे में बताया। यदि आपको समझ में आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारे द्वारा डाली गई वीडियो यूट्यूब पर आपके पास पहुँच जाए सबसे पहले। अब मैं आपको कल बताएँगे चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में। जय हिंद, जय भारत।